वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज, बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर। मैं सबसे छोटी सदन से आया हूँ, ग्राम पंचायत से, उप सरपंच से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने संशोधित औसत प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना से देश की छोटी छोटी दवा बनाने वाली कंपनी को वंचित क्यों रखा है, जबकि छोटी दवा बनाने वाली कंपनियों ने सरकार को अपनी समस्या भी बताया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जब तक हमारे देश की छोटी कंपनी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक कैसे वैश्विक स्तर के मानकों को कैसे पूरा कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी, मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने छोटी कंपनी हो या मध्य कंपनियां हो, मिडिल साइज की कंपनियां हो, सबको वंचित करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जो प्रश्न है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक प्रश्न में जो विषय आता है वो पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, इसको लागू किया है। और इस स्कीम के तहत जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मध्य उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करने का और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके उनको असिस्टेंस देने का ये काम किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार, जो WHO के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अनुसार हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को साथ में लेते हुए किस तरीके से हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकते हैं, SPI कर सकते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने के दृष्टि से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो यूनिट 1 करोड़ की लागत से लेकर के 500 करोड़ की लागत तक का, और जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उनको हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम सपोर्ट देते हैं। जैसे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का है, उनको हम 20% का सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। उसी तरीके से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ है, उनको हम 15% का सपोर्ट करते हैं, और वो दैट ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़, एंड द कॉम्पोनेंट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और जो इनका 250 से 500 करोड़ का टर्नओवर है, उनको हम 10% का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनको वंचित रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, उनको प्रोत्साहित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि छोटी दवा कंपनी, माननीय सदस्य सबको गाइड मत करो, दवा कंपनी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ताकि गंभीर बीमारियों की दवा, जो अपने यहाँ पैंडेमिक आया था, जो कोरोना के समय में अपन ने देखा है कि छोटी कंपनियाँ जिस तरीके से अपन प्रोत्साहन राशि उनको दे रहे हैं, तो उनसे अपन मेडिसिन की जो रेट है आज अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो प्रोत्साहन राशि अपन दे रहे, तो उसमें रेट का कुछ फिक्स करेंगे क्या सरकार अपने तरफ से? मंत्री जी महोदय बताएंगे। माननीय मंत्री जी, ये प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उनके ध्यान में ला दूं कि हमारे यहाँ 2 संगठन, एक तो स्वास्थ्य विभाग के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस, उसमें हम एसेंशियल मेडिसिंस की लिस्ट में हम मेडिसिंस को जोड़ते हैं, जिसकी प्राइस की कैपिंग की जाती है,
और सरकार के निर्धारण पर ही वो उनकी दवाई का दाम होता है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में हम उनको देखते हैं, और उसी तरीके से एक फार्मास्यूटिकल के विभाग में NPPA है जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है, तो वो प्राइस की भी अथॉरिटी इस प्राइसेस को जो एसेंशियल मेडिसिन हैं और अदरवाइज भी हैं जो जो शेड्यूल ड्रग्स में नहीं भी आते हैं उनकी भी प्राइसिंग की जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ सदन के सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जानलेवा बीमारियाँ और जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं वह सरकार उनकी प्राइस को कंट्रोल करती है, और ताकि वह साधारण व्यक्ति उसको खरीद सके इसकी चिंता करती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका अवगत करा दूं कि मैं जितने भी दुनिया के देशों में गया उन सब देशों के अंदर भारतीय दवाओं की डिमांड है, उनकी गुणवत्ता और रेट पर सब संतुष्ट में जितने देशों में। अरविंद सावंत जी, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। ग्लोबल, इसको ग्लोबल और बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब बहुत जो इनका कहना है। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।